यात्रा व्लॉग के माध्यम से जुड़े हुए सभी दोस्तों को प्रेम भरी जय माता दी। कैसे हैं आप सब साथियों? एक बार फिर से नई वीडियो लेकर मैं सोमराज शर्मा, जिला रियासी व केंद्र शासित प्रदेश जम्मू व कश्मीर से उपस्थित हूं। आप लोग देख रहे हैं ताज़ा नज़ारा। आज के सुबह सुबह का नज़ारा है माता वैष्णो देवी के दरबार, जनित त्रिकुटा पर्वत के साथ साथ चरुणपाद का मंदिर के दर्शन, अर्धकुंवारी के दर्शन और ये शिवालिक पहाड़ियाँ। आप सब जानते हैं जब हम माता वैष्णो देवी की यात्रा करते हैं साथियों, तो इन खूबसूरत पहाड़ों से होकर, पवित्र पहाड़ों से होकर हमें माता वैष्णो देवी की चढ़ाई यानी यात्रा करनी पड़ती है। तो ये उसी का सुबह सुबह का नज़ारा आप लोग देख रहे हैं साथियों। कई बार मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि जब भी आप माता वैष्णो देवी की यात्रा पे आ रहे हैं तो छोटी मोटी जानकारियाँ अगर आपके पास घर बैठे मिल जाएँ तो काफ़ी यात्रा आसानी हो जाती है। ऐसे में साथियों, बीइंग ए लोकल और सबसे बड़ी बात टूरिस्ट गाइड होने के नाते, मैं ये कोशिश करता हूँ कि कम से कम जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर में पर्यटक आते हैं उनको सही समय के साथ सही जानकारियाँ और सही अनुपात पर मिलें। इसलिए मेरी एक कोशिश थी, मेरी एक पहल थी, मेरा एक प्रयास था कि कम से कम जितने भी देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर्यटक आते हैं वो एक पॉजिटिव संदेश यानी एक सकारात्मक भाव यहाँ से लेकर जाएं, एक गोल्डन मोमेंट्स हमारे जम्मू कश्मीर से लेकर जाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर्यटकों को बढ़ावा मिले और स्थानीय लोगों को रोज़गार मिले। इसके लिए मैंने ये कोशिश की थी कि टूरिज़्म को हमारे रियासी में बड़ा स्कोप है और रियासी ज़िले में तो हर जगह टूरिस्ट प्लेस है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये भी करता हूँ कि अलग अलग माता वैष्णो देवी यात्रा तो है ही है, लेकिन इसके अलावा भी आप लोगों को और बहुत सारी टूरिस्ट प्लेसेस को दिखाने का मैं प्रयास करता हूँ अपने इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जो लोग लगातार मेरी वीडियोस देखते हैं उनको छोटी मोटी जानकारियाँ घर बैठे ही मिल जाती हैं। तो फिलहाल बात करते हैं, आज सुबह सुबह की नज़ारा आप देख सकते हैं माता वैष्णो देवी के दरबार की और यानी बाणगंगा का ये खूबसूरत नज़ारा है। बाणगंगा यात्रा जब करते हैं हम लोग तो सामने आपको पता होगा, यहाँ से देखो ये सामने बाणगंगा है, यहाँ से हम चढ़ाई शुरू करते हैं तो सामने अर्धकुंवारी का जो चरुणपाद का मंदिर है ये होकर हिमकोटी के रास्ते से होकर हम सीधे माता रानी के दरबार जाते हैं और ये वो रास्ता है जिसे हम ताराकोट मार्ग कहते हैं। इसी मार्ग पर लंगर की सुविधा दी जाती है। बाकी साथियों में बात करूं यात्रा के लिहाज से, मौसम के लिहाज से सुबह से हेलीकॉप्टर की जो सेवा है वो श्रद्धालुओं के लिए चल रही है। घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, बैटरी कार, रोप वे की सुविधा, ये सभी श्रद्धालुओं के लिए सेवाएं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से दी जाती हैं, तो श्रद्धालुओं के सुचारू रूप से चालू हैं। तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूँ तो एक सुझाव दूँ, अगर आप आने वाले दिनों में या माता वैष्णो देवी की यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो पहले दिन कोशिश कीजिए कि आप कटरा नाइट स्टे कीजिए, दूसरे दिन सुबह जो है अर्ली मॉर्निंग यात्रा कीजिए, तीसरे दिन आप कोशिश कीजिए शिवकोड़ी या पत्नीटॉप, नत्था टॉप या फिर अपने भद्रवाह में जाने की, अगर समय हो तो कश्मीर की वादियों का भी आप लुत्फ ले सकते हैं। इसके अलावा साथियों डिस्प्ले पर मेरा नंबर है, आप चाहे होटल की बुकिंग, ट्रांसपोर्ट की बुकिंग या फिर और भी कोई सेवाएं चाहिए, कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सअप के माध्यम से पूछ सकते हैं। बहुत सारे मेरे दोस्त कह रहे थे कि व्हाट्सअप ग्रुप में शामिल होना, तो इसलिए आप सबसे आग्रह कि मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है आप मेरे को अपने शहर, अपने राज्य का नाम ज़रूर भेजिए, लिखिए और मैं कोशिश करूँगा कि आपको व्हाट्सअप में भी शामिल करने का, यानी जो व्हाट्सअप मेरा ग्रुप है डेली यात्रा व्लॉग्स का। तो कुल मिलाकर साथियों इन्हीं कुछ बातों के साथ, जानकारियों के साथ मैं सोमराज शर्मा आज के लिए ले रहा हूँ आप सबके लिए अनुमति, लेकिन फिर कोशिश करूँगा कि जल्दी आपसे मुलाकात करूँ और किसी प्रकार की कोई जानकारी या कोई भी सेवाएँ चाहिए तो आप मेरे को पूछ सकते हैं व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम और फिर साथ साथ में साथियों मेल आईडी के माध्यम से। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे मेरे कॉन्टैक्ट मिल जाएंगे, क्या क्या मैं सेवाएं दे सकता हूं ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए लेते हैं आप सबसे अनुमति, धन्यवाद, जय माता दी, जय माँ वैष्णो देवी।